अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 2 की क्लास नंबर 3 है आज, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या होता है, किस तरह से काम करता है और इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कीबोर्ड इज द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यूज टू एंटर टेक्सचुअल डाटा इन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड एक म्यारी इनपुट आला है जो तहरीरी यानी कि टेक्स्ट डाटे को कंप्यूटर में दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसे कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट यानी कि कुछ भी लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द लेआउट ऑफ कीबोर्ड इज जस्ट लाइक द ट्रेडिशनल टाइपराइटर। कीबोर्ड रिवायती टाइपराइटर की तरह का होता है, बट इट कंटेन्स सम एक्स्ट्रा कमांड्स, कीज एंड फंक्शन कीज। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें कुछ ज़ायद कमांड्स और फंक्शन कीज होती हैं। अमोंग द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड लेआउट आर QWERTY, QWERTY एंड DVORAC। कीबोर्ड में सबसे मशहूर और मकबूल लेआउट QWERTY और DVORAC कीज हैं। द लेआउट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड। लेआउट से मुराद कीज की कीबोर्ड में तरतीब है, यानी कि लेआउट का मतलब होता है कि कीबोर्ड के ऊपर जो बटन की एक तरतीब है, 1, 2, 3, 4 ABC वगैरह, ये जो तरतीब होती है कीबोर्ड के ऊपर जो तरतीब है बटनों की, उसे हम लोग लेआउट बोल रहे हैं। टिपिकल कीबोर्ड कैन हैव 101 to 104 कीज। मिसाली कीबोर्ड में 101 से 104 तक कीज हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि हम जो आम रूटीन में जो कीबोर्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर कई के अंदर 101 और कई के अंदर 104, हालांकि 102 या 100 कीज भी होती हैं काफ़ी कीबोर्ड्स में, लेकिन जो ज़्यादातर कीबोर्ड पाए जाते हैं उनमें 101 और 104 कीज होती हैं, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी सी फंक्शंस कीज वगैरह या स्पेसिफिक जो कीज को अलग अलग कैटेगराइज में किया, कैटेगरी में तब्दील किया गया, ठीक है। हम लोग को कैटेगरीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। द कीज ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड आर ऑफ्टन क्लासिफाइड एज फॉलोज। कीबोर्ड में कीज की दर्जा बंदी अमूमन दर्जा जेल है। फर्स्ट पे आ जाता है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है, जिन्हें कि हम अल्फाबेट्स एंड नंबर्स लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कीज को हम लोग अल्फाबेट्स यानी कि ABC वगैरह एंड नंबर्स यानी कि 1, 2 वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पे आ जाती है हमारे पास न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज को हम लोग नंबर्स यानी कि 1, 2, 3 वगैरह एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस डिवाइड इज इक्वल टू वगैरह को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फंक्शन कीज। फंक्शन कीज के अंदर कीज फॉर स्पेशल फंक्शन F1, F2, F3, एक लाइन आपके कीबोर्ड के ऊपर आपको नजर आती है F1 से लेके F12 तक लिखा होता है, ठीक है। इसके साथ हम लोग अदर सॉफ्टवेयर्स के फंक्शंस वगैरह को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर पर आ जाता है जी कर्सर कंट्रोल कीज। कीज डेट मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट राइट। अगर आपके पास माउस ना हो तो माउस ना होने के बिहाफ पे आप कर्सर कंट्रोल कीज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये कीज आपके कर्सर का बिल्कुल काम करती हैं, जैसे कि आपने किसी चीज़ को अप करना है, डाउन करना है, तो उसके लिए आप कर्सर कंट्रोल कीज को इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, इस कीबोर्ड के ऊपर जो ये सबसे पहले ये अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पे ये आया ये है न्यूमेरिक कीज, ठीक है। ये वाली फंक्शन कीज हैं F1, F2 वगैरह, और ये कर्सर कंट्रोल कीज आपके सामने ये अब आ गई, ठीक है। तो ये मैंने आपको कैटेगराइज करके बता भी दिया, आपको कीबोर्ड भी दिखा दिया और कीबोर्ड के ऊपर ये कीज कहाँ कहाँ पाई जाती है और इनके क्या क्या नाम है और क्या क्या काम है, ये सब कुछ भी बता दिया गया। तो इसी के साथ व्यूअर्स आज की क्लास हमारी खत्म होती है। अगर आज की क्लास के वाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपनी फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। इसी वीडियो का अभी एक और पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है, यानी कि ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगी, उसके अंदर फंक्शन कीज, कर्सर कंट्रोल कीज वगैरह तमाम के तमाम कीज को
डिटेल के साथ मैं ज़रा डिफाइन करूँगा ताकि आपको ये पता चल सके, जो बिगनिंग यानी कि स्टार्टिंग लोग हैं, ठीक है, जो नए नए कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को ये पता चल सके कि कौन सी चीज़ को वो कहाँ कहाँ और किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, एक आपको वेबसाइट नोट्स डाउनलोड लिंक मिलेगा और एक डायरेक्ट नोट्स डाउनलोड लिंक मिलेगा। जो वेबसाइट वाला है वो आप वेबसाइट पर जाकर हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट लिंक है उसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करके ही नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.lastyogproductions.com। यहाँ पर आने के बाद अगर आप कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते ही आप इस टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने 9th कंप्यूटर को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो आपके सामने कंप्यूटर के नोट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने नीचे आपको ये PDF में दिया गया है, PDF फाइल में, इसमें आप इससे पहले पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नाउ सर्वर 1 के बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आपको अगर हमारी वेबसाइट पर किसी भी तरह का किसी भी लिंक के ऊपर कोई एरर नजर आता है, ठीक है, या इस डाउनलोड बटन के ऊपर आपको फाइल नोट फाउंड का एरर नजर आए कभी भी, ठीक है, तो इसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया गया होता है यार पोस्ट के नीचे, आप वहां पर हमें कमेंट कर सकते हैं उस पोस्ट का नाम लिखकर, ठीक है, तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके उस लिंक को आपके इस्तेमाल के काबिल दोबारा बना दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।